नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाथरूम और टॉयलेट के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। नॉर्मली एग्जॉस्ट फैन जो दोस्तों हम लगाते हैं वो नॉर्मली लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं और वो ओपन नज़र आते हैं जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है और वो काफ़ी आवाज़ भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा सिस्टम आता है वो आता है हमारा इनलाइन एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी कि हम सीलिंग के अंदर 4 या 6 इंची का पाइप डालेंगे पीवीसी का, जो प्लम्बर वाली यूज करते हैं ऐसा ये वाला पाइप, और इसके अंदर हम एग्जॉस्ट फैन को कनेक्ट कर देंगे और जब हमारी पीओपी की सीलिंग होगी तो वो सब कुछ छुप जाएगा, सिर्फ वो ही वेंट रहेगा जिसकी मदद से हमारी जो हवा का सक्शन होगा नीचे से। तो हम सीलिंग के अंदर अगर 4 इंची का पाइप डालेंगे तो 4 इंची का कट लगा लेंगे, जैसे लाइट का लगाते हैं सीलिंग लाइट का, 6 का डालेंगे तो 6 का लगा लेंगे और उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइनर जाली लगा देंगे तो हमें नीचे से सिर्फ वो डिज़ाइनर जाली दिखेगी, कोई पंखा नहीं दिखेगा। पंखा हमारा सीलिंग में छुप जाएगा और जैसे पंखा चलेगा वो पाइप के थ्रू सारा हमारा जो एयर है उसको सर्कुलेट करता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इनलाइन एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन साइज़ में आते हैं, कैसे होते हैं, कितना काम करते हैं, ये पूरा मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन आते हैं उसकी तुलना में ये कितना अलग है और इसका इंस्टॉलेशन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ एग्जॉस्ट फैन कैसा ही दिखता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पैक किया हुआ है, ये यहाँ पर लिखा डक्ट फैन, इसका जो साइज़ है 150 mm यानी 6 इंची है, एक पीस इसके अंदर है और इसका जो वेट है दोस्तों 5.31 kg है ग्रोस वेट, यानी कि इसका पैकिंग वगैरह लगा के इतना वेट है और ये इसका मेजरमेंट है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये देखिए इसकी ब्रांड का नेम है और इसका मॉडल नंबर है, इसके अंदर एक पीस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जॉस्ट फैन दिखाता हूँ ये कैसा है। ये इनलाइन एग्जॉस्ट फैन भी इसको बोलते हैं, ये इस तरह से हांडी नुमा शेप में आता है। इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर और आपको मैं पूरा डिटेल से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा एग्जॉस्ट है, हांडी नुमा शेप में आता है ये, और इसकी जो खास बात है दोस्तों इसके अंदर पंखड़ियाँ नहीं आती, इसके अंदर ब्लोवर आता है जैसे हमारा एसी के अंदर आता है। जो नॉर्मल फ़ैन है और इसके अंदर जो फ़र्क है वो ये है, पंखुड़ी वाला होता है वो जब चलता है तो काफ़ी आवाज़ करता है लेकिन ब्लोवर आवाज़ नहीं करता है, इस तरह से घूमता है और इसकी जो सक्शन पावर है वो भी पंखुड़ी वाले से ज़्यादा होती है। और ये जो 150 mm वाला दोस्तों हम ये 2 पोर्ट के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि इसके अंदर हम 2 जगह की हवा को खींचेंगे इस तरह से। इसके अंदर छोटा साइज भी आता है, अगर आपको सिंगल वेंट चाहिए इससे बड़े भी आते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हांडी नुमा शेप में है, ये इसका इनलेट है, इधर से ये हवा को खींचता है और इस तरफ से दोस्तों ये हवा को छोड़ता है, ये इसका आउटपुट रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये वाले जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो नट है ये इस तरफ भी हैं और इसके अपोजिट साइड में है, ये है हमारे हैंगर के लिए, जो ये इसके साथ हैंगर आते हैं दोस्तों, ये देखिए इस हैंगर का ये वाला जो पतला वाला हिस्सा, इसके अंदर हम स्क्रू को खोल कर ऐसे लगा देंगे जो इसके होल आपको नज़र आ रहे हैं, और ये वाले जो हैं हमारी सीलिंग में लग जाएंगे फास्टनर लग के, तो ये हैंग हो जाएगा। ये इसका दोस्तों इलेक्ट्रिक कनेक्शन पॉइंट है, इसमें 4 स्क्रू, इनको खोल के आप इसको कनेक्शन कर लेंगे, यहाँ से इसका वायर अंदर जाएगा। इस तरफ दोस्तों इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जहाँ ब्रांड का नेम, इसका मॉडल नंबर और कितने वोल्टेज पे काम करता है। इस तरफ इसका रोटेशन है, यानी ब्लोवर इस तरफ घूमेगा और इसका जो एयर थ्रू है वो इस तरफ से इस तरफ जाएगा, ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। और इसको लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपको नीचे रखना है सीलिंग की तरफ, और जहाँ पे भी हमारा ये फैन लगेगा वहाँ हमें एक नीचे सीलिंग में ट्रैप डोर बनाना है, यानी एक दरवाज़ा बनाना है टेम्परेरी, तो ताकि कल को अगर ये ख़राब हो जाए तो इसकी अगर रिपेयर करनी हो या इसको चेंज करना हो तो हम वो ट्रैप डोर खोलेंगे और इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसको नीचे रखने का दोस्तों कारण भी यही है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसके अंदर काम करने में, हाथ चलाने में हमें दिक्कत होगी, तो ये हमें नीचे की तरफ रखना है। और ये जिस साइज़ का आपका एग्जॉस्ट होगा उसके साइज़ के हिसाब से आपको सीलिंग में ट्रैप डोर देना है, और इसकी जो प्लेसमेंट है आप पाइप में कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका सीलिंग का सेंटर में आप करें, ताकि सीलिंग के सेंटर में अगर आप ट्रैप डोर बनाते हैं तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, अगर कॉर्नर में बनाएंगे तो अजीब लगता है, तो आप इसकी प्लेसमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट्स के लिए है, यानी कि ये एक फ़ैन हमारा 2 जगह की हवा को खींचेगा। इसमें अलग अलग साइज आते हैं, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी साइलेंट है और सीलिंग होने के बाद तो इसका पता भी नहीं चलता पंखा चल रहा है। ये इसके QR कोड है जहाँ पर आप इसकी वारंटी रजिस्टर करा सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ हमें किस तरह से 4 इंची के पाइप लगाने हैं और किस तरह से हम इस फैन को इंस्टॉल करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये हमने 4 इंची का पाइप लगा दिया है, इसमें हमने एल्बो लगा दिया नीचे की तरफ, और जब हमारी POP की सीलिंग हो जाएगी ये सब छुप जाएगा। POP में हम यहाँ कटिंग करके इसमें एक जाली लगा देंगे कोई डिज़ाइन वाली, तो नीचे से हमें जाली नज़र आएगी। तो एक एरिया ये देखेंगे हमारा शावर एरिया है, एक पॉइंट हमारा ये आ गया और इसी पॉइंट से हमने दूसरा भी अटैच कर दिया है, ये हमारा शावर एरिया है जिसमें आपने देखा। उसके बाद ये देखिए ये हमारा WC एरिया है, यहाँ पे हमारा WC एरिया है,
और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सावर एरिया में जा रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद यहाँ हमने टी लगा दिया, यहाँ से भी ये सक्शन करेगा और उसके बाद यहाँ से हमारा बाहर जा रहा है, बिल्डिंग से बाहर जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पाइप यहाँ पे निकल गया है, यहाँ से हमारी हवा बाहर आ जाएगी और इस पे भी हम एक डिजाइन वाली कोई जाली लगा देंगे और जो बिल्डिंग का कलर होगा सेम कलर कर देंगे तो थोड़ा मर्ज हो जाएगी। और ये हमने देखिए ऊपर फास्टनर लगा के, ये हमने जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है वो हमने हैंग कर दिया है और इसके साथ हमें ज्वाइंट करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है दोनों तरफ। तो ऐसे हम छोटे छोटे पीस फ्लेक्सिबल पाइप लगा के उस पर अच्छे से टेपिंग कर देंगे ताकि कहीं से हवा लीक ना करे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा सेट कर दिया है। ये वाला जो हमारा 150 mm का जो एग्जॉस्ट है, इससे हम दो एरिया को कवर करेंगे, एक हमारा ये WC एरिया है, एक हमारा ये शावर एरिया है। तो इन दोनों एरिया को जो सर्कुलेशन है एयर का वो ये मेंटेन करेगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको अच्छे से टेपिंग कर देंगे। ये हमारा इंस्टॉलेशन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसके अंदर हमने वायर छोड़ दिया लगा करके। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हमें एक पॉइंट दे देगा सीलिंग में, वहाँ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इसका जो स्विच है वो हम हमारे स्विच बोर्ड के अंदर ले लेंगे तो यहीं से ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सीलिंग में हमने लगा दिया है पूरा और इसको पूरा अच्छे से टेपिंग कर देना, कहीं से एयर लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने फिट कर लिया है, यहाँ हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगा दिए हैं दोनों जॉइंट पे और ये हमारी सक्शन एक पॉइंट ये है WC एरिया का, एक हमारा शावर का है और इसके अंदर ये हमने हैंगर रोड का इस्तेमाल किया पाइपों के लिए भी और ये एग्जॉस्ट के लिए भी। ये इसकी क्लैंप है जिस पे हैंग हुआ हुआ है, इसके अंदर अलग अलग जगह पर होल हैं तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी जो रोड के नट लगे हैं इनको आप टाइट और लूज करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक का है जिसमें कनेक्शन होंगे, ये हमने थोड़ा साइड में रखा है और इस तरह से पूरा इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये एग्जॉस्ट फिट कराना है, ये काफ़ी साइलेंटली काम करता है और इसकी जो सक्शन पावर है नॉर्मल एग्जॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।